हेलो दोस्तों, आप सब लोगों के लिए एक अपडेट है। ठीक, भी लोग मुझसे जुड़ेंगे ना, उन सब का रजिस्ट्रेशन मैं करके दूंगा। केवल केवल उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल, जो चैनल के नीचे ज्वाइन बटन दे रखा है ना, उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। और मंथली जो मेंबरशिप है, ठीक है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और जो मैंने लोएस्ट अमाउंट जो रखा है उसके अंदर 59 पर मंथ रखा है। ठीक है, इसके अंदर क्या इंक्लूड है? इंक्लूड ये है भाई कि इसके अंदर आपको पूरा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है मैं करके दूंगा। आपको कोई लोड लेने वाली ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पूरा रजिस्ट्रेशन मैं करके दूंगा। आपके डॉक्यूमेंट्स आप मुझे सेंड कर देना, मैं पूरा अच्छी तरीके से आपकी हेल्प करके दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक जगह भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी वेबसाइट के अंदर दिक्कत नहीं आएगी, और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं अपना खुद पर्सनल नंबर उसके अंदर दूंगा आप लोगों के लिए, यदि आप लोग मुझसे जुड़ते हैं तभी। और नीचे ज्वाइन बटन, ज्वाइन का एक और बटन आ गया सब्सक्राइब के साथ। ठीक है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वरना आप सबकी मर्जी। दोस्तों चलिए आज बात कर लेते हैं कोर्स हीरो की। काफ़ी सारी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब के अंदर, काफ़ी सारा डाटा अवेलेबल है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग। और साथ ही साथ कोर्स हीरो का तो यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है। तो पर उन्होंने भी इतने ढंग से बता नहीं रखा कि इसके अंदर ट्यूटर का जो रजिस्ट्रेशन है कैसा रहता है, क्या उसकी पे आउट रहती है, क्या इसकी मंथली साइकिल होती है, क्या पेपल के थ्रू पेमेंट होती है, क्या बैंक के थ्रू पेमेंट होती है, कैसे होती है, किसी ने कुछ नहीं बता रखा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर सब चीज़ें जानते हैं अच्छे से। ठीक है, आप अच्छे से बैठ जाइए, ईयरफोन लगा लीजिए कान के अंदर, और मेरी वीडियो को यदि आप ढंग से नहीं देख पा रहे हैं तो 1.5x कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर आसानी से देख पाएंगे, कोई लोड लेने बात नहीं है। दोस्तों कोर्स हीरो एक कैलिफोर्निया बेस्ड वेबसाइट है, ठीक है, तो इसके अंदर फ्रॉड का कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं। मैंने प्रोज एंड कोन्स, ग्लास डोर की वेबसाइट पर जाकर मैंने इसके काफ़ी रिव्यूज़ पढ़े, कुछ प्रोज थे कुछ कोन्स थे, पर कोन्स के अंदर कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि एक स्पैन है, ठीक है, इसके अंदर दिक्कत आती है, पैसे लूट के भाग जाती है लोगों के। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो इस चीज़ का तो लोड लेना ही नहीं है, बिकॉज कैलिफोर्निया बेस्ड वेबसाइट है, यूएस बेस्ड, कैलिफोर्निया बेस्ड बात ही की है। सिंपल, आपको इसके अंदर आंसर सबमिट करने हैं, सेम टू सेम चैग अल्टरनेटिव है। ठीक है, इसलिए मैंने थंबनेल के ऊपर लगा रखा था चैग अल्टरनेटिव। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस होती है, आंसर अपलोड कैसे करते हैं वही चीज़ चैक के अंदर जो होती है वो इसके अंदर है। ठीक है, बस और पैसे छापने पड़ते हैं अपन को, और साथ ही साथ इसके अंदर जो क्वेश्चन का जो पे आउट है वो मिलता है। ठीक है, पर क्वेश्चन आप जितने क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसका पे आउट मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 1 घंटे इसके अंदर बैठ गए उसके हिसाब से आपकी इनकम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, स्मिथ को निकाल दीजिए बाहर, यदि एक क्वेश्चन आपने सोल्व करा तो उसके पैसे मिलेंगे, 2 क्वेश्चन करा तो उतने उसके पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि 1 घंटे बैठ के ऐसे पेमेंट मिलेगी। ठीक है, पे आउट जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना, सब चीज़ शेयर होगी, बहुत अच्छी बात भी है इसके अंदर। ठीक है, वो शेयर करूंगा, तो इसलिए जुड़े रहना, पूरी वीडियो को साथ में देखना, एक पॉइंट स्किप मत करना। जरूर आप मेरी स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियो की 1.5x। सिंपल, आपको एक URL जो है वो देंगे ईमेल पर, जब आप सक्सेसफुल इसके अंदर ऑनबोर्डेड हो जाएंगे तो उस केस के अंदर एक URL आएगा। URL को यदि आप मोबाइल में चलाते हैं मोबाइल में चलाओ, ठीक है, PC के अंदर चला लेते हैं PC में चलाओ, दोनों के अंदर ही वेबसाइट फिजिबल है, किसी के अंदर भी चला सकते हैं, और काफ़ी काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, इसकी हैंडी वेबसाइट है, इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ। ठीक, दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, एलिजिबल इसके अंदर हाई स्कूल वाले बंदे भी हैं, यानी जो 12वीं पास कर चुके हैं वो भी है, ठीक है, और जो ग्रेजुएटिंग है, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं अपनी, वो भी इसके अंदर एलिजिबल है। ठीक है, साथ ही साथ में अंडर ग्रेजुएट इसके अंदर अप्लाई कर ही बता ही दिया मैंने। ठीक है, और साथ ही साथ जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कैन ऑल्सो अप्लाई हियर। ठीक है, और रही बात डिग्री की, तो डिग्री तो भाई साहब कोई भी चलेगी, आपकी मांगते ही नहीं है इसके अंदर से। ठीक है, और बाकी जो भी चीज़ है मैं बताऊँगा आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर, तो वीडियो को लास्ट तक देखना जरूर। सबसे जो मेन पॉइंट होता है कि किस बेस पे आपको जज करेंगे, तो वो क्या क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया दोस्तों एक ही है कि आपकी जो बायोग्राफी है, ठीक है, शॉर्ट होनी चाहिए और साथ ही साथ काफ़ी इफेक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो आपको ऑनबोर्ड करेंगे, ये बात कोई नहीं बताता, तुरंत रिजेक्शन का मेल आ जाएगा विद इन 3 डेज। ठीक है, यदि आपने कोई इंटरेस्टिंग बायो नहीं लिखी उनके खिलाफ, ठीक है, और वो बायो ऐसे नहीं कि आपने फेक बना के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड कर दिए, बिल्कुल जेन्यून होनी चाहिए। ठीक है, एक भी चीज़ झूठी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, तो ये इलीगल तरीके से तो कोई चीज़ करनी ही नहीं है अपन को। ठीक है, तो हर चीज़ रियल होनी चाहिए, हर चीज़ रियल होनी चाहिए, और काफ़ी शॉर्ट और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए, और जो देखने में लगे हाँ कि भाई की बायो एक नंबर की। ठीक है, ठीक है, तो उनको लेंगे वो। जो दूसरी बात है इसके अंदर, दूसरी जो बात है इसके अंदर है वो टीचिंग एक्सपीरियंस का, तो टीचिंग एक्सपीरियंस भी उतना ही मायने रखता है जितना आपकी शॉर्ट बायो मायने रखती है। ठीक है, तो टीचिंग एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए इसके अंदर, ये दो चीज़ नहीं है ना दोस्त, तो वो वीडियो तुम यही छोड़ सकते हो। ठीक है, और टीचिंग एक्सपीरियंस ऐसा नहीं कि हर वेबसाइट पे आपको चाहिए, 2-3 वेबसाइट हो सिंपल सी वो भी चलेगी, बस उसका प्रूफ आपके सामने होना चाहिए। जैसे सोलेंसर हो गई, तो वो काफ़ी ईजी है, उस पर अकाउंट बना लीजिए उसका, वहाँ पर टेक दीजिए। ठीक है, सोलेंसर पर हम ट्यूटरिंग करते हैं, तो ये चीज़ मेन होती है, ये दो चीज़ मेन है ना, ये दो चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कोई टेस्ट लिया नहीं जाता। बाकी जो वेबसाइट्स हैं जो क्राइटेरिया वो रखते हैं, वो टेस्ट रखते हैं, सब्जेक्ट टेस्ट रखते हैं, गाइडलाइन टेस्ट रखते हैं, पर इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बदले में उन्होंने ये दो चीज़ रखी है। ठीक है, एक तो टीचिंग एक्सपीरियंस, साथ ही साथ आपकी शॉर्ट बायो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए। ठीक है, और
लगे हाँ भाई की बायो में दम है, ठीक है। तो ऐसी रखनी है आपको, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा का पक्का 100% बता रहा हूँ। अगर ये दो चीज़ अच्छी है ना, रजिस्ट्रेशन आपका 100% हो जाएगा। तो सब्जेक्ट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, काफ़ी सारी जो है लिस्ट बना रखी है, ठीक है। पर वो मैं नहीं बता सकता, जो भी चीज़ है जितनी भी सब्जेक्ट है वो मैं आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर अच्छी तरीके से बता दूंगा, ठीक है। और लोड लेने वाली बात नहीं है, सिंपल आपके इसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अवेलेबल तो है ही, साथ ही साथ जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है वो भी अवेलेबल है, ठीक है। और जो एक तीन चीज़ दिखेगी आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर, एक तो ब्लू टिक होगा, डार्क ब्लू टिक होगा, एक लाइट ब्लू टिक होगा, और एक नल होगा, ठीक है। तो इन तीन का मतलब ये है कि जिस सब्जेक्ट के आगे यदि डार्क ब्लू टिक लगा हुआ है ना, तो उसका जो क्वेश्चन फ्लो वो काफ़ी ज़्यादा होगा, और वी नो दैट कि क्वेश्चन फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इनकम और पे आउट, ठीक है। तो ये चीज़ मैटर रखती है, उसका ध्यान रखना। मेरा जो है बैड लक है, सिविल के अंदर ऐसा कोई ब्लू टिक या फिर लाइट ब्लू टिक नहीं है, मेरे आगे नल लगा हुआ है। पर हाँ, डिसेंट क्वेश्चन फ्लो आता है, ठीक है। ऐसा नहीं क्वेश्चन फ्लो आएगा ही नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। बाकी जो भी सब्जेक्ट्स है ना, वो पूरा जो लिस्ट है मैं आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बताऊंगा, तो इसलिए लास्ट तक देखना है इस वीडियो को। ईमेल होना चाहिए आपका, ठीक है, ईमेल थ्रू जीमेल, और फेसबुक होनी चाहिए, या फिर इन ये ऑप्शनल है, ठीक है, या तो जीमेल हो, ईमेल हो, या फेसबुक हो, ठीक है, या फिर सिंपल एक उनका वहाँ पर रहता है, ठीक है, ईमेल एड्रेस टाइप के रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये तीन चीज़ यदि इनमें से कोई एक भी चीज़ है तो आपका काम चल जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। साथ ही साथ एक यूनिक फ़ोन नंबर होना चाहिए, ठीक है। यूनिक बोले तो खुद का, आप खोल रही थी इसके दूसरी टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको नया नंबर चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आधार कार्ड हो गया, ठीक है, और मार्कशीट हो गई, कोई भी मार्कशीट चलेगी, कॉलेज की डिग्री होगी, ट्वेल्थ की मार्कशीट होगी, या फिर आपकी कोई भी, ठीक है। उसके बाद यदि आपको कोई भी फ़ोटो जो है, एक जो सबसे अहम पॉइंट आता है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर, वैसे तो मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है फोटो दिखा के, ठीक है। पर हाँ, जैसे आधार कार्ड, यदि स्टेप टू के अंदर आधार कार्ड आप अपलोड करते हैं, ठीक है, या फिर पासपोर्ट अपलोड करते हैं, या फिर लाइसेंस अपलोड करते हैं, या फिर वोटर आईडी अपलोड करते हैं, तो उसका थर्ड स्टेप के अंदर आपको कोई भी एक जो डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट कराया है उसको ऐसे खिंचा के, ठीक है, फोटो तीसरे स्टेप के अंदर अपलोड करना है। तो इसलिए ये तीन डॉक्यूमेंट आपको चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। समझ में नहीं आया, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, रजिस्ट्रेशन पक्का समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है। पेमेंट साइकिल के बारे में भी किसी ने नहीं बताया, तो पेमेंट साइकिल दोस्तों मैं बता दूँ, उसके अंदर ना ही तो वीकली होती है, ना ही मंथली पे आउट होती है। तो कैसी होती है पेमेंट? ईयरली होगी क्या? नहीं। 15 डेज होती है? नहीं, वो भी नहीं होती, ठीक है। वीकली होती होगी फिर तो? वो भी नहीं होती, ठीक है। जब आपकी मर्जी हो तभी, ठीक है। जय हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, जब आपकी मर्जी हो तभी आप इसके अंदर पे आउट निकाल सकते हैं, ठीक है, तभी आप ले सकते हैं। जो मिनिमम क्राइटेरिया है, मिनिमम क्राइटेरिया अगेन बोल रहा हूँ, वो है $20। कितना? $20, ठीक है। $20 होने ही चाहिए, यदि $20 आपके कंप्लीटेड नहीं है तो आप इसके अंदर पेमेंट नहीं निकाल सकते, ठीक है। पे आउट मोड कैसा होता है? पे आउट मोड सिंपल अपना पेपल होता है भाई, ठीक है। पेपल से जो कोर्स हीरो है वो आपको जब जैसे ही आपके $20 हो जाएंगे तो वो आपको पेपल के अंदर सेंड कर देगी पेमेंट, ठीक है। फिर पेपर से आप बैंक के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना, ख़त्म बात। ऐसे पे आउट का मोड है इसके अंदर। दोस्तों जो पे आउट होता है ना इसके अंदर, वो $3 पर क्वेश्चन होता है, ठीक है। $3 पर क्वेश्चन। अब 7 3 21 होता है, ठीक है। $21 होंगे, यानी मिनिमम 7 क्वेश्चन चाहिए आपको पेमेंट निकालने के लिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, पेमेंट निकालने के लिए आपको 7 क्वेश्चन मिनिमम होते हैं। सबसे अहम बात जो इसके अंदर आती है, मैंने कुछ प्रोज एंड कॉन्स पढ़े थे, तो इसके अंदर कुछ लोग बोल रहे थे यदि स्टूडेंट ने आपके क्वेश्चन को रेट नहीं करा है, साथ ही साथ में स्टूडेंट ने आपको क्वेश्चन को बैड रेट करा है, ठीक है, तो उस केस के अंदर आपको उसका कोई पैसा नहीं मिलने वाला, ठीक है। उस केस के अंदर ऐसा कोई पैसा नहीं मिलने वाला, जैसे कि शैक के अंदर मैनुअल टीम होती है, उसको चेक करती है, इन हाउस टीम जो होती है, यदि स्टूडेंट रेट नहीं करता फिर अपन को रेट करती है और उसके हिसाब से पैसे दे देती है अपन को, ठीक है। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, कोई मैनुअल टीम नहीं है, कोई इन हाउस टीम नहीं है, ठीक है, जो अपने क्वेश्चन मैनुअली चेक करे और आपको पेमेंट डिलीवर कर दे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। जहाँ फुल्ली डिपेंडेंट है आप स्टूडेंट के ऊपर, ठीक है। तो पेमेंट भूल जाइए जब तक आप स्टूडेंट आपको रेट नहीं करता है, ठीक है। अब सबसे अहम बात जो इसके अंदर आती है दोस्तों, वो ये कि इसके अंदर साथ ही साथ इसके अंदर फेस्टिव बोनस भी आपको मिलता है, मतलब $3 प्लस फेस्टिव बोनस, एज वेल एज जो सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है, ठीक है, सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके, इसके अंदर जो पीक होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सेम स्टैक अल्टरनेटिव भी तो है, इसमें कोई भेदभाव है ही नहीं, तो इस वजह से वही सेम चीज़ पॉलिसी रखती है कंपनियाँ, ठीक है। तो उस केस के अंदर आपको कुछ बोनस देखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा, जैसे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बोनस देखने को मिलता है इन बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के अंदर, ठीक है। दोस्तों सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो शैक ट्यूटर्स है ना, वो शटिंग डाउन है, ठीक है। शैक ट्यूटर शटिंग डाउन बोले तो शैक एक्सपर्ट और शैक ट्यूटर दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। मैं इसी वीडियो के अंदर इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपका मिथ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो उस केस के अंदर जो शैक ट्यूटर्स, जो कि लाइव ट्यूटरिंग से बच्चों को पढ़ाते थे फेस टू फेस लाइव वीडियो से, ठीक है,
वो जो है वो कम्प्लीटली बंद हो चुकी है, कम्प्लीटली बंद हो चुकी है। कुछ केसबाजी हो गई थी, उसका रीज़न भी मुझे पता है, ठीक है ठीक है, पर वो एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो उस वजह से वो पूरी तरीके से बंद हो गया है। पर घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि सैक एक्सपर्ट जिस पे अपन काम करते हैं, जिसके अंदर टाइप करके अपन सॉल्यूशन अपलोड करते हैं, हैंड रिटन सॉल्यूशन देते हैं, वो अभी बंद नहीं हुई है। इन फ्यूचर वो भी बंद हो सकती है, डेफिनेटली वो भी बंद हो सकती है। तो जो बच्चों ने सब्सक्रिप्शन सैक पे ले रखा था, ठीक है, तो वो बच्चे लोग जो है वो तो या तो कोर्स हीरो की तरफ मुड़ेंगे, या फिर स्टडी पूल की तरफ मुड़ेंगे, या फिर यपट्यूटर की तरफ मुड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें तो अपने डाउट सोल्व करवाने हैं किसी भी हालत में। तो इस वजह से जो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो कोर्स हीरो के अंदर बढ़ने वाली है। तो इस पर तुरंत जाकर अप्लाई कर देना, लेट मत करना, बिल्कुल मत लेट करना। यदि आपने अभी लेट करा तो क्या पता वैकेंसी आपके हाथ से चली गई, ठीक है, बिल्कुल लेट मत करना। अभी बेकार होगी वेबसाइट, क्या पता इन फ्यूचर अच्छी हो जाए। वैसे तो अच्छी है, 100% अच्छी है, चैक चैक से भी अच्छी है, चैक अल्टरनेट है, ठीक है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो के अंदर, और यदि आप इन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं ना, तो आगे जाके मेरी रजिस्ट्रेशन वीडियो जरूर देखना, बिल्कुल मत मिस करना। और दोस्तों 100 लाइक तो इस वीडियो पर डेफिनेटली बनते हैं, ठीक है, डेफिनेटली बनते हैं। तो चलिए दोस्तों आ गए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल डाल देना है कोर्स हीरो रजिस्ट्रेशन, ठीक है, एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन। तो ये टैब खुलेगा, खुलने के बाद आपको फर्स्ट जो लिंक है उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के बाद आपको नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं गूगल और फेसबुक, या फिर आप ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं गूगल से करना चाहूँगा तो गूगल पर क्लिक करेंगे, सबसे इजी रहता है इसलिए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत टाइम ले रहा है ये, तो कृपया थोड़ा देर वेट करिए। अब क्या, मैंने वहाँ से कर दिया है, अब आपको डायरेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हाई डार्क ब्लू रहेगा, थोड़ा लाइट ब्लू मीडियम रहेगा, जिनकी हाई डिमांड है सब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, देखते रहिए स्क्रीन के अंदर, जिनके आगे ब्लू टिक बिल्कुल डार्क है, उनकी हाई डिमांड है, ठीक है। तो डिमांड मतलब जिसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो मैं तो फिजिक्स के अंदर अप्लाई करूँगा, और देख सकते हैं आप लाइट ब्लू टिक किसके अंदर आ रहा है और डार्क ब्लू टिक किसके अंदर आ रहा है। तो उसके अंदर जो क्वेश्चन का फ्लो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। और यदि क्वेश्चन का फ्लो ज़्यादा रहेगा ना, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन आपकी इनकम के, तो इनकम भी आपकी उतनी होगी, ठीक है। हालांकि बैड लक मेरे लिए कि इसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कोई टिक नहीं है, तो क्वेश्चन फ्लो बैड रहेगा, बैड नहीं डिसेंट रहेगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं जिनके अंदर ब्लू टिक नहीं है उसके अंदर कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैंने सेलेक्ट कर लिया सब्जेक्ट, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। काफ़ी बड़ी लिस्ट है, ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। अब ये पेज ओपन होगा, ये पेज होगा, तो ये मैं आपको यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से नाम डाल देना है, इसके बाद ये पढ़ा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आपने पढ़ लिया होगा ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना उसको, आपको सेम ईमेल यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम वगैरह डाल देना है, अपना ईमेल डाल देना है, ईमेल वही डालना जो आपने पहले डाला था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको अपना फ़ोन नंबर डाल देना है यहाँ पे। प्लीज़ इस फ़ोन नंबर पे कॉल मत करना, ये किसी और का नंबर, मैं अभी किसी और का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है आपको, और ये जो है ना, ये कंट्री है, तो इंडिया सेलेक्ट करना है, आई लव माई इंडिया, ठीक है। तो ये लो, अब इसके अंदर आपको, अभी आप कॉलेज में है तो ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं करंटली अटेंडिंग कॉलेज, ठीक है, वरना हाई स्कूल और ग्रेजुएट तो है ही, ठीक है, बैचलर्स डिग्री तो है ही इसके अंदर ऑप्शन, ठीक है। तो अभी मैं कॉलेज के अंदर, तो डाल दिया मैंने सेकंड ऑप्शन। थोड़ा सा इसके अंदर अपनी बायोग्राफी दे देना, जितना अच्छा ही देंगे ना सिलेक्शन के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो मैंने दे दिया, अब इसके लिख देना है शेक एक्सपर्ट और टॉपर कम्युनिटी, और फिर बाद में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मैंने सुना है, तो ये पूरा मेरा डिटेल है, ठीक है। तो मैंने ये डाला है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये चीज़ डालनी है इसके अंदर। अब सबमिट कर देना है अपन को। अब इसके अंदर लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन को ओके रखना है अपन को, ठीक है। तो टिक मैं चेक बॉक्स कर दीजिए उसको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्या है, एजुकेशन और फिर वेरीफिकेशन मांगेंगे थ्री डॉक्यूमेंट्स का, जो वेरीफिकेशन होगा यहाँ पे होगा। तो ये जो पहला है ना, इसके अंदर आपको
अपनी कोई भी 12th की डिग्री होगी, कॉलेज की डिग्री होगी, आईडी कार्ड हो गया, तो वो डाल देना है। ठीक है, तो मैं 12th की डिग्री डाल रहा हूँ यहाँ पे, कोई लोड नहीं है, कोई भी डिग्री डाल सकते हैं आप। फ्यूचर में यदि कोई भी चीज़ अपडेट होगी तो ईमेल के थ्रू वो कर देंगे, या फिर यदि आप इसी वजह से रिजेक्ट होते हैं तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, वो उसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर अपलोड करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने अपलोड कर दी है डायरेक्ट 12th की मार्कशीट। नाउ नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट के बाद आपको एक सी फोटो आईडी अपलोड करनी है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट जो रहती है ना वो आधार कार्ड रहती है, फिर पैन कार्ड रहती है, फिर वोटर आईडी रहती है। ठीक है, तो मैं अपना आधार कार्ड इसके अंदर कर रहा हूँ। ठीक है, ये कर दिया मैंने अपलोड। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब आपको इसके अंदर ध्यान से सुनिए, आपको केवल वही डिग्री, जैसे ये फ़ोटो देख लीजिए आप, इस महिला का ये फ़ोटो देखिए। ठीक है, तो आपको एक ऐसा फ़ोटो रखना है जो आपने स्टेप टू के अंदर जो डिग्री अपलोड करी थी ना उसके साथ वैसा फ़ोटो खिंचवाना है। ठीक है, सब चीज़ अच्छे से दिखनी चाहिए आपका। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आधार कार्ड लिया था, तो आधार कार्ड ढंग से दिखना चाहिए, साथ में अपना थोड़ा बड़ा भी दिखना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर अपन को अपलोड करनी है। ठीक है, जैसे मैंने उस महिला का फ़ोटो दिखाया था, बैक करके देख लीजिए वीडियो वापस। ठीक, तो मैंने कर दिया अपलोड, जैसे मेरा देख लेना आप, थोड़ा सा दिखेगा, देख लेना, ये देखिए ऐसे। ठीक है, ऐसे आपको अपलोड करनी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नाउ ये बोल रहे हैं कि आपको 7 डेज 5 डेज में आपको बता देंगे, ठीक है, इन्फॉर्म कर देंगे कि आप रिजेक्ट हुए हैं या फिर क्या हुए हैं ईमेल के थ्रू। टेंशन लेने वाली बात कोई भी नहीं है, केवल 2 या 3 दिन के भीतर आपको सब कुछ रिजल्ट आ जाएगा, और मैक्सिमम 5 डेज लेते हैं। ठीक है, फिर बाद में आगे की जो प्रोसीजर है वो सिंपल है, आपको बस ट्रेनिंग होगी आपकी, उसके बाद वैसे आपको ऑनबोर्ड कर देंगे, और वही बाद में आपको एक और टेस्ट देंगे जिसके अंदर आपको पास करना है क्या, गाइडलाइन टेस्ट। बस ये था, यहाँ तक का सफ़र ख़त्म हो